हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे लेट का अगला पार्ट। जैसे कि किसी ने बोला कि उसने मुझे क्यों यहाँ आने दिया था, मैंने तुम्हें यहाँ बैठने दिया था, मैंने तुम्हें अपने घर में कल सोने दिया था, इस तरह का ट्रांसलेशन अगर है तो हम इसके अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। अगर इस तरह की हिंदी है तो हम उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, इस तरह में आप बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो आज इसी का हमने समाधान लाया है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है गाइस, तो पूरे वीडियो तक तो बने रहिएगा, देखिएगा ध्यान से। शुरू करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि अमित ने मुझे अपने घर में रहने दिया था, ऐसा है। किसी ने बोला पिताजी ने भाई को घर में नहीं घुसने दिया था, है ना मजेदार। किसी ने बोला क्या शेर ने हाथी को केला खाने दिया था। तो इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे, इसी का आज हम हल लेकर के आए हैं। तो पहला स्ट्रक्चर होगा सिंपल वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद लेट, फिर ऑब्जेक्ट, और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और तब फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल जैसे कि अमित ने मुझे अपने घर में रहने दिया था, या था वाला है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वैसे ही आज पास्ट परफेक्ट टेंस का है, उसमें सिर्फ लेट का इस्तेमाल किया गया है, ने दिया था वाला। तो है अमित ने मुझे अपने घर में रहने दिया था, तो आप बनाएंगे अमित हैड लेट मी लिव इन हिज हाउस। ठीक है गाइस, अमित हैड लेट मी लिव इन हिज हाउस। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं। सिंपल है, जैसे और सब सब्जेक्ट आप बनाते थे वैसे इसको बनाएंगे, और सब स्ट्रक्चर वर्ब की तरह, सब्जेक्ट उसके बाद में हैड, तब नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता था, यहां पर लेट लगाएंगे, लेट का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सॉरी लेट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट हैड नॉट लेट ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। जैसे पिताजी ने भाई को घर में नहीं घुसने दिया था, ठीक है। अब बनाएंगे फादर हैड नॉट लेट ब्रदर एंटर इन द होम इन द हाउस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसी ने बोला कि तुमने मुझे कल नहीं खेलने दिया था, अब बनाएंगे यू हैड नॉट लेट मी प्ले यस्टरडे, बन जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स होंगे, इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर लेंगे। अगला देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव वाला, यानी कि क्या लगाया हुआ है, प्रश्न लगाया हुआ है, तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे क्या शेर ने हाथी को केला खाने दिया था, तो आप बनाएंगे स्ट्रक्चर उसके लिए है हैड सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और तब अदर वर्ड। हिंदी है क्या शेर ने हाथी को केला खाने दिया था, अब बनाएंगे हैड अ लायन लेट एन एलिफेंट ईट बनानास, हैड अ लायन ए लेट एन एलिफेंट ईट बनानास, ना लेंगे। अगला देखते हैं हम लोग डब्ल्यू एच वाला। जैसे किसी ने बोला कि तुमने क्यों मुझे यहाँ आने दिया था, मोहन ने क्यों मुझे अपने घर में नहीं रहने दिया था, मोहन ने क्यों नहीं मुझे टास्क बनाने दिया था, इस तरह का होगा, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव जो बनाते हैं आप उसी की तरह इसको भी बनाना, उसके पहले सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड्स को यूज कर लेना है, फिर सारा स्ट्रक्चर वही रहता है आपका। ठीक है गाइस, देखते हैं स्ट्रक्चर हम लोग। सबसे पहले डब्ल्यू एच, उसके बाद हैड, तब सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब यहां पर फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, और फिर अदर वर्ड। ठीक है गाइस, जैसे तुमने क्यों मुझे राजा को बचाने दिया था, व्हाई हैड यू लेट मी सेव राजा, उसने क्यों तुम्हें यहां आने दिया था, व्हाई हैड ही लेट यू कम हियर। अगर इसका नेगेटिव हो जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे उसने मुझे क्यों नहीं बैठने दिया था, तुमने मुझे मिठाई क्यों नहीं खाने दिया था, इस तरह का होता है ना। तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। जैसे बनाना है हमें कि तुमने मुझे यहाँ क्यों नहीं बैठने दिया था, तो आप बनाएंगे वाई हैड यू नॉट लेट मी सिट हियर, बन जाएगा। इस तरह से और भी हो सकते हैं, बच्चों ने शिक्षक को क्लास में होमवर्क चेक क्यों नहीं करने दिया था, हो सकता है, तो हम बनाएंगे वाई हैड चिल्ड्रेन नॉट लेट द टीचर चेक होमवर्क इन द क्लास, बन जाएगा। इस तरह के और भी होते हैं सेंटेंसेस, आप उसको लिखेंगे अपनी कॉपी में लिख करके, और उसका आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, और फिर बोलने में इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है गाइज, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा गाइज, और जो लोग नए व्यूवर हैं
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।